हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार राव। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पिछला वीडियो में हम लोग बताए थे CGST और SGST कैसे काटते हैं टेली ERP 9 में। आज हम लोग सीखेंगे IGST कैसे काटते हैं, ठीक है ना। IGST तो IGST काटने के लिए सबसे पहले को क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से कंपनी बना ली है या तो हम पहले से भी कंपनी बना रखे हैं, ठीक है ना, वही कंपनी में बना सकते हैं, नहीं तो नया भी अगर कंपनी बनाना चाहते हैं नया भी बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्रिएट कंपनी में जाना, जिस नाम से बनाना गोपाल ट्रेडर्स नाम से कंपनी बना लिए। यहाँ पे स्टेट लेना है तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। स्टेट ले लीजिएगा, इंटर मार्क एक्सेप्ट कर दीजिए, कंपनी बन गया आपका। कंपनी बनने के बाद तैयार हो जाएगा, उसके बाद F11 F3 मारना कीबोर्ड से। F11 F3 मारने के बाद कीबोर्ड से ये दोनों को ऐश कीजिएगा, इसको ऐश कीजिएगा, इसको ऐश, दोनों को ऐश कर लीजिएगा। यहाँ GST नंबर बोले थे आपको डालना है, ठीक है ना, 15 अंक का GST नंबर रहता है, कोई भी यहाँ पे डाल देना है, इंटर मार के जो रहेगा आपके पास डाल दीजिएगा, नहीं तो एक्सेप्ट कर दीजिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन वर्सन में आप सीखने के लिए इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेशनल में ही डालना पड़ेगा। ये हो गया आपको लेजर बनाना, आपको यहाँ से परचेज सेल का PURCH परचेज के अंदर में हो जाएगा आपका, परचेज में हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट। फिर आपको सेल बनाना, सेल के अंदर में सेल अकाउंट, ठीक है ना। IGST हो गया, इंटर मारिए। IGST के अंदर होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्या लेना, ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ आपको CGST और यहाँ लेना इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटर मारिए। यहाँ नॉर्मल राउंडिंग कोई दिक्कत नहीं है, आसान से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पार्टी बना लिए, जैसे राम बनाए, राम हो गया। सेंड्री डेप्टर्स, क्या लेना, सेंड्री डेप्टर्स, इंटर मारिए, इंटर मारिए, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका स्टेट दूसरा कर दीजिए बिहार, इंटर मार के एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना हमको, यहाँ पे एक बनाते हैं परचेज का लेजर, ठीक है ना। परचेज सेल हो गया, परचेज सेल CGST हो गया, इंटर मारिए। यहाँ पे अंदर में लेना पड़ेगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST, यहाँ पे लेंगे सेंट्रल टैक्स, इंटर मारिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। और लीजिएगा SGST, ठीक है, इंटर मारिए, इंटर मारिए, SGST लेना है। उसके बाद आपको लेना है स्टेट टैक्स, इंटर मार के एक्सेप्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। उसके बाद कोई सामान बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ बनाते हैं मोबाइल, MOBIL मोबाइल हो गया, मोबाइल बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजर में जाना, पीस बनाना, PCS, ठीक है ना, PICES, पीस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल को पीस में बेचेंगे, स्टॉक आइटम में जाके नोकिया नोकिया हो गया, यहाँ पे लिए, यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे आप पीस में लेना, यहाँ आपको यस करना है। इसमें आपको सेट करना है सेशन नंबर, दे दीजिएगा 8 अंक से ऊपर रहता है, इसको नो ही रहने दीजिए, इसको ऑन वैल्यू में। और यहाँ आपको लेना टैक्सेबल, और यहाँ पे आपको 18% डाल देना है, इंटर मारने को। देखिए जब भी IGST कटेगा तो 18% अकेले कटेगा, और CGST आपका कटेगा दोनों बांट के, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ आना है इसमें, ठीक है ना, अकाउंटिंग वाउचर में दोनों से किसी में इंटर मारिए, F9 दबाइए। यहाँ आपको कैश में खरीद रहे हैं, इंटर मारिए। यहाँ पे आपको लेना परचेज टैक्सेबल, क्या लेना, परचेज टैक्सेबल, यहाँ पे लेना आपको नोकिया, कितना 50 पीस, एक पीस का दाम देते हम 1500 रुपया, तो इंटर मारे टोटल हो गया 7500, इंटर मारिए। दो बार इंटर मार के यहाँ पे ले सकते हैं आप CGST, और यहाँ पे ले सकते हैं IGST। देखिए दोनों का टैक्स यहाँ पे कट गया, इंटर मारिए, एक्सेप्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेल करना, क्या करना, सेल एफेट में होता है, इंटर मारिए, यहाँ पे लेना राम, ठीक है ना, सेल करिएगा। यहाँ IGST कटवाना हमको सेल में, तो IGST कटवाने के लिए हम परचेज में क्या लिए थे, हम परचेज जब इंट्री किए थे परचेज में परचेज टैक्सेबल लिए थे। सेल में करने के लिए हमको यहाँ पे IGST कटवाना रहेगा, उस टाइम में आपको ध्यान रहे आई दबाना है, तो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल आपको आएगा, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल ई लेना है, इंटर मारिए। यहाँ पे अभी स्टॉक आइटम मेरे पास 50 पीस है, इसको हमको भेजना है 5 पीस, तो यहाँ पे आपको दाम बढ़ा देंगे, यहाँ पे 2000 कुछ भी है, यहाँ पे इसका कितना लिखेंगे हम, यहाँ पे 3000 दे दिए, इंटर मार के एक्सेप्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट करने से पहले आपको IGST कटवाना है, यहाँ देखिए नोकिया का जो वैल्यू था 3000-15000 हो गया इसका, और यहाँ से IGST में आपको 2700 रुपया एक्स्ट्रा लगा, यानी 17700 हो गया, 15000 दाम था, 17700, इंटर मारिए, एक्सेप्ट करिए। अब देखना है IGST कैसे कटा, तो DD आपको डिस्प्ले से DD मार सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्प्ले में यहाँ जाके क्लिक करना है, इंटर मारिए, और यहाँ आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्ट में, स्टेशनरी रिपोर्ट में, यहाँ पे जाइएगा, इंटर मारिएगा, यहाँ तीसरा नंबर में क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है 2700 रुपया जो टैक्स कटा है आपको, 2700 रुपया कटा है, ठीक है ना, 15000 वैल्यू के अनुसार।
अब हमको देखना है इसका बिल, तो बिल देखने के लिए डिस्प्ले में जाइएगा और डेबुक में, डेबुक में सेल में जाइए, ठीक है ना। और अल्ट पी दबाना है, यहाँ पे कीबोर्ड से दबाना है अल्ट पी, कीबोर्ड से दबाना है अल्ट पी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू लिखा है, तो यहाँ आप ध्यान रहे नो प्रीव्यू यहाँ लिखा रहेगा, तब आपको प्रिंट प्रीव्यू होगा। इंटर मारिए और F4 कीबोर्ड से F4 बटन दबाना है, F4, ठीक है ना। F4 दबाइएगा तो जूम होगा, उसके बाद आपको दिखाएगा कि IGST मेरा जो कटा कैसे कटा, इसका वैल्यू कितना था, 3000 एक पीस का दाम था, 5 पीस हम लोग खरीदते हैं तो यहाँ दिखा रहा 15000 वैल्यू, 2700 रुपया टैक्स लगा, तो अकेले 18% इसमें लगा, ठीक है, इसे कटा है, आराम से इसको निकाल सकते हैं, कोई देखे ना। थैंक यू, धन्यवाद।